Hello, dear students. I hope you all are well. Today, on a very heavy demand, I'm going to cover the chapter Agriculture, chapter number 5, class 8th, SST, DAV board. I have already covered chapter number 1, resources, utilization, and development. The pronunciation development and development both are acceptable. Being an English teacher, I'm telling you that, okay. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर clear इज़ क्लियर heading द हेडिंग ऑफ द चैप्टर सो लेट्स फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन beings फॉर देयर सर्वाइवल हम सबको पता है कि जिंदा रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो खाना है ठीक है तीन चीज़ें हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस की थी ठीक है रोटी कपड़ा और मकान इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर एक पे चीज़ आती है वो है रोटी यानी कि हमारे पास फूड होना चाहिए ठीक है हमारी बॉडी के लिए फ्यूल होना चाहिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारे पास एग्रीकल्चर से आता है और ये जो कहते हैं फूड की रिक्वायरमेंट है इससे इसने किस चीज़ को डेवलप किया है इसने एग्रीकल्चर को डेवलप किया है क्योंकि हमें खाना चाहिए था क्योंकि अर्ली मैन को खाना चाहिए था तो वो खाना सिर्फ नॉनवेज नहीं हो सकता था कि एनिमल्स को मारा और खाना मिल गया उसने एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया खाना ठीक है जो है उसको उगाना स्टार्ट किया और वो आज तक हमारे काम जो उसकी टेक्निक्स हैं वो आ रही हैं तो ह्यूमन बींग्स कहते कि हमेशा ही फूड जो है डिपेंडेंट थे अपॉन फूड गैदरिंग हंटिंग और फिशिंग के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए ग्रेजुअली होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि धीरे धीरे टाइम के साथ उन्होंने क्या किया क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया और रिवर वैलीज़ के पास जाके वो लोग बसने लग गए जहाँ पानी होता था ये हमने पहले भी पढ़ा वो वहाँ पे जाके बसने लग गए वहाँ पे जाके वो खेती करने लग गए एग्रीकल्चर करने लग गए अपने लिए जो फ़ूड है अब वो सिर्फ एनिमल से नहीं लेते उसने फूड को कल्टिवेट करना और उसको उगाना स्टार्ट कर दिया इट हेल्प एशियन सिविलाइजेशन टू फ्लरिश अलॉन्ग रिवर वैलीज और जितनी भी एशियन सिविलाइजेशन थी एशियन सिविलाइजेशन का मतलब है एशियन यानी पुरानी सिविलाइजेशन मीन्स उस टाइम के जो लोग थे उनकी लोगों की जो कम्यूनिटी थी उस कम्युनिटी ने कहाँ बसना शुरू किया नदियों के किनारे वहां पर वो फ्लरिश हुए फ्लरिश का मतलब होता है डेवलप होना डिवेल्प होना वहीं होने लगे क्योंकि वहाँ पानी अवेलेबल था और पानी हर चीज़ के लिए उनको चाहिए था अब एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है इसका मीनिंग है कल्टिवेशन ऑफ लैंड कल्टिवेशन का मतलब है खेती करना लैंड के ऊपर खेती करना जो है उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं या हम इसको और ज़्यादा अगर एलेबोरेट करके बोलें तो एग्रीकल्चर इज़ अ साइंस एंड आर्ट ऑफ रेजिंग क्रॉप्स रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक फॉर एंड फिशिंग कि सिर्फ एग्रीकल्चर का मतलब खेती करना नहीं है खेती करना भी है ठीक है क्रॉप्स को लगाना भी है और रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक है लाइव स्टॉक हम एनिमल्स को कहते हैं पिग्स हैं शीप्स हैं जिनसे हमें कुछ न कुछ मिलता है बफलोज हैं काउज हैं ठीक है याक है जिनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता है जो हम अपनी जिंदगी में चीज़ें मीट है मिल्क है स्किन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं तो उसको हम लाइव स्टॉक कह देते हैं उन एनिमल्स को उनको रेयरिंग करना यानी उनका पालन पोषण करना फाइन फॉरेस्ट्री हो गया कि प्लांट्स की जो देखभाल है प्लांट्स लगाना और फॉरेस्ट का जो स्पेशली फॉरेस्ट वाले प्लांट्स होते हैं उनकी आ, उनको कल्टिवेट करना और फिशिंग करना ये सारा कुछ अगर आप ये जो वर्ड है एग्रीकल्चर उसके अंडर ही आ जाता है एग्रीकल्चर का जो ये एक विस्तार से एक कॉम्प्रिहेंसिव जो मीनिंग है वो ये है अदरवाइज अगर हम नॉर्मल मीनिंग देखें तो नॉर्मल मीनिंग है कि एक लैंड के ऊपर खेती करना ठीक है अब इम्पॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर की अगर हम बुक में से ये टॉपिक ना भी पढ़ें तो भी हम सबको मालूम है एक अनपढ़ इंसान को भी एक इलिटरेट पर्सन को भी पता है कि एग्रीकल्चर की इम्पॉर्टेंस हमारे जीवन में क्या है स्पेशली इंडिया में एग्रीकल्चर uh, की इंपॉर्टेंस बहुत है हिंदुस्तान जो है वो एक कृषि प्रधान देश है कृषि प्रधान होता है कृषि हम एग्रीकल्चर को कहते हैं तो हमारे जो इंडिया है शुरू से जब से हमारी आज़ादी हुई थी ब्रिटिशर्स से तब से जो सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड थे वो एग्रीकल्चर में ही थे अब हम मतलब चेंजेस आ गए हैं लेकिन एग्रीकल्चर में ही लोगों की ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होती थी तो कृषि प्रधान देश हमें कहा जाता है फ़ाइन सो so, कहते मोस्ट ऑफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट लाइवलीहुड लाइवलीहुड का मतलब क्या है पैसे कमाने के लिए ज़िंदा रहने के लिए आज भी दुनिया में बहुत मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन दुनिया की जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर ही करती है या फिर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए काम और बहुत सारे होते हैं वो करती है ठीक है इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है हैंस इट इज़ द बैकबोन ऑफ आर कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है वेल्थ की डेवलपमेंट होना फाइनेंशियल डेवलपमेंट होना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना ये सारा जो एक देश है वो हमारा जो देश है उसकी जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर के ऊपर ही ठीक है आ, हमारा जो देश है वो पूरी तरह से मतलब काफ़ी हद तक हमारा देश उस चीज़ के ऊपर डिपेंड है आपका कल्चर है नॉट ओनली सप्लाईज़ फूड टू द पीपल बट आल्सो क्रिएट ह्यूज मार्केट फॉर ट्रैक्टर्स थ्रेशर्स हार्वेस्टर्स फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खेतों में गए काम किए किया क्रॉप्स लगाइए और चलो हो गया देर आर न्यूमरस थिंगस न्यूमरस थिंगस ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको और मुझे पता ही नहीं होंगी जो एग्रीकल्चर में होती हैं क्योंकि हम डीप डाउन वहाँ तक नहीं जाते हमें सिर्फ जो सरफेस एरिया पे ऊपर हो रहा है वो मालूम है तो कहते इसमें ढेर सारी मशीनरी होती है सारी मशीनस के आपको यहाँ नाम दिया हुआ है फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं पेस्टिसाइडस की अलग से कंपनीज़ हैं ठीक है मशीन्स ट्रैक्टर्स ट्रैशर्स की अलग से कंपनीज़ हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एनहेंस ट्रेड एंड फॉरन अर्निंग फॉरन एक्सचेंज अब कहते हैं कि एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम करता है एम्प्लॉयमेंट देता है इससे इंप्लॉयमेंट मिलती है लोगों को एग्रीकल्चर से ठीक है इराडिकेट पॉवर्टी है कि पॉवर्टी को खत्म करता है इससे पॉवर्टी खत्म होती है ट्रेड बढ़ता है एनहेंसिंग का मतलब है इंक्रीजिंग ट्रेड जो है वो इंक्रीज होता है जो बिजनेस है वो इंक्रीज होता है फ़ॉर फ़ॉर एक्सचेंज होता है जब हम कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं बाहर से जो हमारी कंट्री में कम है उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं बाहर से मंगवा लेते हैं उस सामान को ठीक है और जो हमारी कंट्री में सामान बहुत ज़्यादा जिसकी यू नो खेती होती है हमारे पास लंब सम में है नीड से ज़्यादा हम उसको उसकी खेती करते हैं तो उसको फिर हम बाहर बाहर के जो देश हैं उनको बेच देते हैं बेच देते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं और वहाँ से पैसा कमाते हैं आई I मीन mean, जो हमारा गवर्नमेंट है वो वहाँ से पैसा कमाती है सो एग्रीकल्चर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल रिलेशन बाई एनकरेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ठीक है तो हमारे ग्लोबल लेवल के ऊपर जो हमारे बाकी आ, देश हैं उनके साथ हमारे जो रिलेशनस हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं क्यों उनके साथ हमारा ट्रेड होता है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के को हम उनको बेचते हैं या उनसे खरीदते हैं कहते ढेर सारे ऐसे फैक्टर्स हैं ऐसी चीजें हैं जिसका एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट होता है अफेक्ट होता है असर होता है वो कौन सी चीजें हैं इन्होंने यहाँ पे दो दे रखी हैं एक है फिजिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर्स और दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर्स पहले हम फिजिकल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देख लेते हैं जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है रिलीफ 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 का मतलब यहाँ पे चैन की सांस लेना वाला रिलीफ नहीं है यहाँ पे रिलीफ़ का मतलब है प्लेन्स आर मोर सूटेबल फ़ॉर एग्रीकल्चर देन द हाई लैंड्स कि जो हाई लैंड से ज़्यादा जो प्लेन एरिया होता है यानी कि पहाड़ी इलाकों से ज़्यादा या कोई उबड़ खाबड़ जगह है उससे ज़्यादा अच्छी ज़मीन जो है जो सीधी ज़मीन होती है जो प्लेन ज़मीन होती है जो प्लेन एरियाज़ होते हैं जैसे कि पंजाब है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कंपेरटिव टू माउंटेनियस एरियाज़ फ़ाइन वहाँ पे ज़्यादा अच्छी नहीं होती वहाँ पे मुश्किल बहुत होती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज जनरली हाई इन प्लेन्स और जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है तो एग्रीकल्चर अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी लेबर इजीली मिल जाएगी फाइन और इतनी सारी मुश्किलें नहीं आएंगी प्लस उसकी मार्केट भी अच्छी होगी दिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग चीप लेबर एंड मार्केट टू फार्म प्रोडक्ट्स ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी ठीक है और कहते हैं कि ईजियर हो जाता है प्लेन एरिया के अंदर जितने भी मॉडर्न मशीनरी है उसको यूज़ करना आप सोच के देख सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों में ट्रैक्टर को यूज़ करना और प्लेन इलाके में ट्रैक्टर या हारवेस्टिंग मशीन को यूज़ करना ज़्यादा ईजी है ठीक है तो जो रग्ड टोपोग्राफी है रग्ड टोपोग्राफी वर्ड आपके इसमें दिया हुआ है रग्ड टोपोग्राफी का मतलब होता है कि जो कोई रॉकी एरिया है हिली एरिया है उबड़ खाबड़ जमीन है वहां पे एग्रीकल्चर करना कंपेरेटिवली मुश्किल है ठीक है रिवर बेसेंस हैं यानी नदियों के किनारे हैं या डेल्टाज़ हैं डेल्टा को अगर आप गूगल करोगे तो आपको इमेज मिल जाएगी ट्रायंगुलर शेप में जो है वो एक लैंड होती है जिसके आसपास से नदियाँ बहती हैं उसको हम डेल्टा बोल देते हैं ठीक है वो भी एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है रिवर बेसन यानी नदी किनारे भी जो हैं वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल हैं क्यों क्योंकि वहाँ पर पानी अवेलेबल है ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पानी अवेलेबल है बड़ी इजीली पानी जो है वो इरीगेशन वगैरह के कामों के लिए लगाया जाता है जबकि माउंटेनियस रीजन्स में ये इन सारी चीज़ों की दिक्कतें मुश्किलें हो जाती हैं ठीक है ये तो हो गया पहली बात दूसरा हो गया क्लाइमेट कहते हैं क्लाइमेट जो है वो भी एक बहुत ही यू नो you know, बड़ा रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर में हर तरह के क्लाइमेट में हर तरह की जो क्रॉप है उसको हम नहीं उगा सकते क्रॉप जो है एक पर्टिकुलर टाइप का टेम्परेचर और रेनफॉल मांगती है ठीक है तो कहते उसके अकॉर्डिंग ही जो क्रॉप है उसको लगाया जा सकता है uh, जैसे कि वीट क्रॉप जो है भी फॉर एग्जांपल वीट इज़ द क्रॉप ऑफ टेम्परेट रिजन टेम्परेट होता है मॉडरेट रिजन जहाँ पे मॉडरेशन मॉडरेट टेम्परेचर हो बहुत ज़्यादा हाई ना हो बहुत ज़्यादा लो ना हो उस टेम उसको हम मॉडरेट टेम्परेचर कहते हैं वहाँ पे कहते हैं जो वीट है जो कनक है, है वो लग सकती है और जो राइस है वो हम सबको मालूम है वो हमेशा वेट एरियाज़ में लगता है उसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है राइस को तो वो ट्रॉपिकल रीजन्म में लगता है ट्रॉपिकल होती हैं जो ज़्यादातर ह्यूमिड और वेट रहती हैं रेनफॉल ज़्यादा होती है ठीक है जहाँ पर मौसम जो है ह्यूमिड और वेट है उसको हम ट्रॉपिकल रीजन्स बोल देते हैं तो कहते हैं कि ये डिपेंड करता है ग्रोइंग सीजन इज लॉन्ग इन इक्वटेरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन एज़ कम्पेयर सेम इन टेम्परेट अब जो टेम्परेट है जहाँ टेम्परेचर मॉडरेट है नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी यू नो कोल्ड वहाँ पे इतनी अच्छी क्रॉप नहीं हो रही है जितनी कि ट्रॉपिकल रीजनज में हो रही है क्यों क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन ह्यूमिड और वेट है बट स्टिल हर क्रॉप के लिए जो क्लाइमेट है हर क्रॉप की अपनी डिमांड होती है ठीक है कि क्रॉप जो है वो हर तरह के क्लाइमेट में ग्रो नहीं कर सकती फाइन जैसे अब आप अपने घर के आंगन में बादाम का पेड़ लगाना चाहोगे तो वो नहीं लगेगा स्पेशली मतलब अगर आप पंजाब में रहते हो तो मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ तो वो वहाँ पे नहीं लगेगा या हम टी प्लांटेशन अपने घर में करना चाहें तो वो नहीं होगी रीज़न क्या है कि उसको एक सेपरेट तरह का एक अलग तरह का एक क्लाइमेट चाहिए एक अलग तरह का रिलीफ यानी कि एक अलग तरह की धरती चाहिए एक अलग तरह का उसको जो आ, उसका जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वहाँ पे पूरी नहीं हो पाएंगी कि मैं कि मैं अपने घर के किचन गार्डन में चाय पत्ती उगा लूँ तो ऐसा नहीं हो पॉसिबल नहीं हो पाएगा आगे है सॉइल जो है जो मिट्टी है वो भी एक पर्टिकुलर तरह की ही चाहिए होती है हर क्रॉप को जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी है ठीक है हर तरह की क्रॉप को अलग अलग तरह की जो मिट्टी है उसकी चाहिए होती है सॉइल रिच इन मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर स्पोर्ट्स एग्रीकल्चर फाइन तो कहते हैं सॉइल जिसमें मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है उसमें एग्रीकल्चर अच्छी होती है केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अब हर जगह की जो मिट्टी होती है वो डिफरेंट होती है मतलब अगर ऑल ओवर इंडिया ही आप देखो तो तरह तरह की मिट्टी जो है वो आपको देखने को मिलेगी अगर आप गूगल पे जाके इसको आ, इसकी इमेज देखते हो कि कितने तरह का सॉइल अवेलेबल है तो आपको उसकी ढेर सारी इमेजेस देखने को मिलेंगी कि एक जैसी मिट्टी एक एक कंट्री की नहीं है एक ही कंट्री में ढेर तरह के जो सॉइल्स हैं वो अवेलेबल हैं और हर तरह के सॉइल में अलग तरह का जो क्रॉप है वो लगती है एलोवियल सॉयल एंड ब्लैक सॉइल्स आर द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स फॉर एग्रीकल्चर अब इन्होंने दो सॉइल्स के नेम यहाँ पे दे दिए हैं दो तरह की मिट्टी के नाम दिए हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट हैं वन इज़ एलोवियल एंड सेकेंड इज़ ब्लैक दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो कौन से होते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गया साइज ऑफ लैंड होल्डिंग कि द साइज क्या है फार्म का जिसमें हमने एग्रीकल्चर जो हम क्रॉप है उसमें सो करने जा रहे हैं सीड को उसमें हम एग्रीकल्चर करनी है हमने खेती करनी है उस वो लैंड किस तरह की उसका साइज क्या है लैंड का उसमें यील्ड पर यूनिट हेक्टेयर कितनी होगी यील्ड होता है प्रोडक्शन पर हेक्टेयर एक उसकी उसको नापने का एक यू नो काइंड ऑफ स्केल है पर हेक्टेयर तो उसमें कितनी प्रोडक्शन होगी तो ये डिपेंड किस पे करता है कि लैंड का जो साइज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है तो उसके ऊपर बहुत सोच के आ, हर तरह का जो मतलब बेनिफिट सोच के फिर फार्मर उसके ऊपर जो है कल्टीवेशन स्टार्ट करता है बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ ऑफ जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के फार्म साइज़ इज़ जनरली वेरी स्मॉल अब वहाँ पे फार्म का जो साइज़ है वो छोटा बहुत है क्यों क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर हम अपनी खुद की एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया में तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन ज़्यादा होने के पास लोगों के पास ज़मीन कम है फार्मर्स के पास ज़मीन कम है अब जब उनके पास लैंड कम है तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन भी कम होगी फाइन वहाँ पे प्रोडक्शन कम होगी और वो जो लैंड है वो एक बार फर्टाइल हो गई तो उसको फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ना भी पड़ता है कि वो दोबारा से फर्टाइल हो जाए तो फिर वेट करना पड़ता है क्योंकि लैंड जो है उसका साइज़ बहुत छोटा है ठीक है और रूरल पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है फ़ाइन लॉ ऑफ सक्सेशन है लॉ ऑफ सक्सेशन का मतलब होता है कि जब जो ओनर है लैंड का उसकी डेथ हो जाती है तो फर्दर वो लैंड जो है आगे डिवाइड हो जाती है ठीक है जितनी लैंड अगर एक फार्मर के पास पीस ऑफ लैंड है तो फर्दर उसके दो बेटे हैं तो वो आगे चल के उन दो बेटों में डिवाइड हो जाती है और लैंड का जो साइज है वो छोटा हो जाता है ठीक है उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टू डिवाइड इन पार्ट्स ठीक है ये आपके पेज नंबर फोर्टी एट पर दिया हुआ है जो बुक मेरे पास है द स्मॉल फील्ड्स आर मोस्टली नॉन इकोनॉमिकल वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉल फील्ड्स हैं जो लैंड का पीस ही बहुत छोटा सा है जिसके ऊपर आपने एग्रीकल्चर किया तो उसमें प्रोडक्शन बहुत कम होगी यानी कि उसमें से जो क्रॉप निकलेगी जो फर्दर फार्मर ने मार्केट में बेचनी है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उसकी कम होगी क्रॉप बहुत कम निकलेगी और आगे जब वो मार्केट में बेचेगा तो पैसा भी बहुत कम मिलेगा तो वो इकोनॉमिकली साउंड नहीं हुआ तो वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी वो स्मॉल पीस ऑफ लैंड ओके नेक्स्ट है हमारे पास लेबर ठीक है कहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खेतों में काम करने वाले लोगों को हम लेबर बोल रहे हैं यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है Has a great influence on cropping pattern of a region. Region means area. लेबर रिक्वायरमेंट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट क्रॉप्स अब जितने तरह की क्रॉप्स हैं उतनी तरह की लेबर भी चाहिए होती है कोई ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनमें ज़्यादा लेबर की जरूरत नहीं लेकिन कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनमें लेबर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है जैसे राइस राइस लगाने के लिए लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ठीक है उसमें बहुत मेहनत लगती है इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया सीजन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन रूरल एरियाज़ एज ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ सोइंग एंड हारवेस्टिंग देयर कुड बी शॉर्टेज ऑफ लेबर Uh, the farmers of Punjab greatly depend on migrant lab laborers for growing wheat and rice Ab kehte ki, yaha pe seasonal जो अनएम्प्लमेंट है वो हो जाती है या हम इसको पॉजिटिव वे में ले तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो जाती है मतलब कि जिस सीज़न में जो क्रॉप लगनी है तो, तो उस वक्त लेबर वर्कर्स को काम मिल जाता है जब वो क्रॉप लग गई है उसके बाद उनके पास बेचारों के पास कोई काम नहीं होता ठीक है और मैक्सिमम टाइम लेबर की शॉर्टेज भी हो जाती है क्योंकि वही लेबर फिर कहीं और काम के लिए चली जाती है पंजाब में सबसे ज़्यादा जो लेबर है उसको एम्प्लॉय किया जाता है ठीक है पंजाबियों को सबको मालूम है इस बात का कि पंजाब के खेतों में लेबर को बहुत ज़्यादा जॉब मिलती है उनको एम्प्लॉय किया जाता है स्पेशली वीट और राइस लगाने के टाइम जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं जो किसी और स्टेट से माइग्रेट होकर पंजाब आए होते हैं ठीक है तो हमारे यहाँ पे पंजाब में ढेर सारे लेबरर्स हैं जो आए होते हैं और फिर वो वीट और जो राइस की खेती होती है उसमें उनको जॉब मिल जाती है लेकिन ये एक सीजनल जॉब होती है पूरा साल नहीं मिलती जब वो खेती होनी है सिर्फ तब तक ही उनको वो मिलती है तीसरा पॉइंट है इसमें कैपिटल कैपिटल का मतलब होता है पैसा मनी वेल्थ ठीक है एग्रीकल्चर करनी है एच वाई वी सीड्स यानि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स बाय करने हैं तो बहुत सारे पैसे चाहिए अच्छी मतलब कोई भी चीज़ आपको अच्छी बनानी है कोई बिजनेस है कोई एग्रीकल्चर है कुछ भी है तो उसमें इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा ठीक है ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था तो वहाँ पे हमें कैपिटल जो है वो मनी जो है इन्वेस्ट करनी पड़ती है अच्छे सीड्स ख़रीदने के लिए मींस ऑफ इरिगेशन के लिए ठीक है खेतों में इरिगेशन यानी पानी लगाने का जितना भी सिंचाई का काम है उस सारे काम के लिए भी पैसा लगता है फर्टिलाइजर्स हैं पेस्ट साइड्स है लेबर को हायर करना है मशीन्स खरीदनी है या जमीन को लीज पे लेना है ठीक है किराए पे जो हम ले लेते हैं फॉर्डर होता है चारा जो एनिमल्स को हम चारा देते हैं खाने के लिए फ्यूल है पेट्रोल है डीजल है जिसकी ज़रूरत पड़ती है पंप्स वगैरह चलाने के लिए पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी है ठीक है वेटनरी सर्विसेज़ होती हैं कि जो एनिमल्स हैं वो जो डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है उनके लिए जो दवाइयाँ वगैरह हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है इन सारी चीज़ों के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है बेसिक चीज़ पैसा पैसे की ज़रूरत है उसके बगैर एग्रीकल्चर करना इम्पॉसिबल है द कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स यूजिंग न्यू टेक्नोजीज रिक्वायर्स मोर कैपिटल दैन रिक्वायर्ड इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ कल्टिवेशन आज के टाइम में कहते हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स लगाना कमर्शियल हम हर उस चीज़ को कह देते हैं जिससे हमें बेनिफिट चाहिए मतलब जो हमने मार्केट में चीज़ बेचनी है वो हमने कमर्शियल वो वो एक तरह से वो हमारा कमर्शियल वेंचर है हम उससे पैसा चाहते हैं कि हमें वापसी हमने कुछ किया है हमें वापसी में उसके लिए प्रॉफिट मिले तो जो क्रॉप हमने प्रॉफिट के लिए लगाई है ऑब्वियसली उस क्रॉप को हमें पहले न्यू टेक्नोलॉजीज़ लगा के बहुत अच्छे से उगाना पड़ेगा बहुत अच्छे से लगाना पड़ेगा उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ट्रेडिशनल वे ऑफ़ कल्टिवेशन में उतना पैसा नहीं लगता ठीक है और ट्रेडिशनल वे ऑफ़ कल्टिवेशन फार्मर ज़्यादातर सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो अपने घर में वही वाली जो क्रॉप उन्होंने लगाई है वो अपने घर में ही वो यूज़ कर सकें उसको वो मार्केट में बेचने ना भी जाना पड़े नो no प्रॉब्लम लेकिन अगर कोई कमर्शियल क्रॉप है जिसको उन्होंने मार्केट में बेचना है तो ऑब्वियसली जो चीज़ हमने मार्केट में बेचनी है चाहे वो क्रॉप है या चाहे वो कोई और आर्टिकल है तो हमें पहले उसको बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा उसके ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा तो मार्केट में हमें उसका जो जो हम कहते हैं कि कस्टमर जो है वो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा तो हर चीज़ के लिए पैसे पैसों की ज़रूरत है ठीक है जी तो यहाँ तक आपको फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग एग्रीकल्चर समझ आ गए हैं यहीं तक वीडियो आई थिंक ट्वेंटी मिनट्स का हो गया है नो no प्रॉब्लम इसको मैं पार्ट्स में बनाऊंगी मैंने आपको पहले भी बताया था एसएसटी के चैप्टर्स पार्ट्स में बनेंगे बहुत लंबे चैप्टर्स हैं एंड प्लीज़ थोड़ी सी पेशेंस रखिए मेरे पास ढेर सारे यू नो डिमांड्स आ गई हैं मैडम ये भी चैप्टर बना दो ये सिविक्स का बना दो ये मुगल एम्पायर बना दो बेटा इट विल टेक टाइम आई एम वन सिंगल पर्सन एंड यू आर मैनी सो आप लोगों की मैनी मैनी पीपल्स और मैनी डिमांड्स हैं लेकिन मैं एक सिंगल पर्सन हूँ जिसने इनको अपलोड करना है फ़ाइन तो मेरे पास अपने स्कूल का भी काफ़ी काम होता है आपको मालूम है इन दिनों हमारे वेबिनार्स चल रहे हैं टीचर्स की ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं उसमें भी मैं इन्वॉल्व हूँ फ़ाइन एंड एक और बात मैं बता दूँ कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैम एस एस टी के चैप्टर में एनिमेशन डाल दो सॉरी मैं इतनी ज़्यादा टेक्नो टेक्नोसेवी पर्सन नहीं हूँ और अगर जितनी भी हूँ उतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एनिमेशन डालूँ ज़्यादा मैं पिक्चर्स भी इंसर्ट नहीं कर पाऊँगी ठीक है तो आप सिर्फ चैप्टर को सुनने पर ध्यान दें ठीक है कि जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको कर रही हूँ इसमें एनिमेशन ढूँढने लग जाना या इसमें पिक्चर्स ढूंढने लग जाना पिक्चर्स तो मैं फिर भी कर दूँगी इन सर एनिमेशन तो काइंड ऑफ एमपॉसिबल थिंग है मेरे लिए फाइन तो आप प्लीज़ ज़्यादा फोकस आपका चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए इस बात पे नहीं होना चाहिए कि वीडियो कितना ज़्यादा एंटरटेनिंग है हम यहाँ कोई बॉलीवुड वाला चैनल खोल के नहीं बैठे हैं ठीक है कोई ऐसा वाला चैनल नहीं है जहाँ पे आप एंटरटेन होने आ रहे हैं ये चैनल है जहाँ पे आप एजुकेट होने आ रहे हैं सो पे अटेंशन टूवर्ड्स द एजुकेशन नॉट ऑन द पिक्चर्स एंड द यू नो म्यूजिक और समथिंग लाइक दैट कि मैडम मैं ऐड कर दो वीडियोज़ में प्लीज़ पे अटेंशन ऑन लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ द बिग वर्ड फॉर दिस चैनल अंडरस्टैंडिंग ओके सो टेक केयर इसका मैं सेकेंड पार्ट जल्दी अपलोड कर दूंगी मे बी कल कर दूंगी वो है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर ठीक है मिलते हैं ओके बाय टेक केयर ब बाय